Good evening, friends. This is your host Ashish Borua from Borua's Way. Here we are reviewing the dual period Bollinger Band strategy that we discussed on 29th June 2022 with respect to the crude oil. जहां पे हमने डिस्कस किया था कि ये लाइन के नीचे दैट इज 8720 पे स्टॉप लॉस सेल फॉर अ टारगेट ऑफ 8150 से 8200 एंड स्टॉप लॉस अबव दिस दैट इज एट 9050. तो वहां पे आइए पहले हम वो जो वीडियो था उसको थोड़ा सा देख लेते. 29 जून वाला, 14th जून को प्राइस 9600 में था, फिर ये एकदम लोअर पार्ट ऑफ द बोलिंजर बैंड में आ चुका था ऑन 22 जून. फिर यहाँ से लोअर पार्ट ऑफ द बोलिंजर बैंड से ये सेंटर बैंड में आया. आज सेंटर बैंड में आने के बाद दिस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी एक्टिव होने वाला है. क्या है, जब हायर टाइम फ्रेम में प्राइस लोअर बैंड से सेंटर बैंड में आता है उसके बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है तो लोअर टाइम फ्रेम यानी ये क्रूड जो है आपका 24 वाला आवर्स वाला मार्केट नहीं है, लेकिन हमारा ये जो मार्केट है 14 एंड हाफ आवर्स का मार्केट है, तो इसका जो लोअर टाइम फ्रेम हो जाएगा 4 आवर. अभी लोअर टाइम फ्रेम में जैसे ही ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट के नीचे प्राइस क्लोज देगा देन ये ट्रिगर हो जाएगा. यानी समथिंग लाइक आई एज्यूम प्राइस एक्शन के हिसाब से भी एक है कि ये जो पार्टिकुलर 28 जून 9 बजे का जो लो है उसके लो के नीचे जैसे ही प्राइस होवर करेगा आवरली बेसिस में क्लोज दे देगा एंड थोड़ा सा फॉलो अप नीचे की तरफ होगा तो ये ट्रिगर हो जाएगा. यहाँ पे प्राइस एक्शन वाला मैं इन फ्यूचर इसके बारे में डिस्कस करूंगा. अभी जो सिस्टम है, एज पर द सिस्टम ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट ऑन द लोअर टाइम फ्रेम उसके ट्रेंड लाइन सपोर्ट के नीचे जैसे ही क्लोज देगा दिस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी विल गेट ट्रिगर्ड. ये ट्रिगर्ड होगा तो स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, जो अभी स्विंग हाई बनाया है उसके थोड़ा सा ऊपर. यानी अभी हाई है आपका 9015, तो आपका जो स्टॉप लॉस हो जाएगा करीबन थोड़ा सा क्वेश्चन रख के 9050. एंड टारगेट क्या होगा, टारगेट होगा ये जो हायर टाइम फ्रेम का लोअर पार्ट ऑफ द बोलिंजर बैंड. लोअर पार्ट ऑफ द बोलिंजर बैंड इज 8154. यानी कि आपका जो ट्रिगर है वो इसका जो लो है 8730. सो आई अज्यूम कि यहाँ पे अगर कोई सेल करता है से 8720 पे सेलिंग होता है देन द टारगेट इज 8150. दर्जी वाला लेवल यानी एकदम मेजरमेंट वाला नहीं है, कभी ये 8200 से भी वापस जा सकता है, कभी ये 8000 के भी नीचे आ सकता है. तो अगर मेरा टारगेट है 8150, कभी कभी ये 8200 के आसपास से भी बाउंस हो सकता है, कभी कभी 8150 से भी नीचे जाके और भी नीचे मे बी 8000 या 7900 या 7800 भी हो सकता है. ये था आपका 29th जून का वीडियो जहां पे हमने डिस्कस किया ड्यूअल पीरियड बोलिंजर बैंड. उसके बाद 30th जून को ये लो बनाया था 8316. नेक्स्ट डे लो टच किया था 8278. उसके बाद फिर दोबारा ये ऊपर जाने का कोशिश किया. आज अगर हमारा प्री मार्केट एनालिसिस देखोगे वहां पे एक एजम्पशंस था कि क्या ये सेंटर बैंड के आसपास रेजिस्टेंस लेके फिर दोबारा आता है. इन सच ए केस अगेन इट इज गोइंग टू टेस्ट 8150 टाइप्स. तो आज का लो देखिए, अभी तक का लो है 8158. यानी ये जो ड्यूअल पीरियड बोलिंजर बैंड का जो टारगेट है ये दे चुका है. अभी भी देयर आर हायर चांसेस कि इट मे गो टुवर्ड्स 7800 के आसपास, लेकिन उसके लिए हमें प्राइस एक्शंस को देखना पड़ेगा. ये जो फॉलो अप वीडियो यहाँ पे दिस इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस के प्राइस एक्शन या स्ट्रेटेजी कैसे काम करता है. आप
अगर इस स्ट्रेटजी पे अगर ध्यान दोगे तो देखोगे कि कितना बेनिफिशियल है ये स्ट्रेटजी। इसके बाद हमने रिलायंस में भी उसको लाइव मार्केट में 12 पीरियड वॉल इंजरमेंट को हमने डिस्कस किए हैं, इट इज हाईली इफेक्टिव एंड मेरा वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर आइडेंटिफाइंग ए ट्रेड एंड ऑल्सो गिविंग ए कॉल के अभी डॉलर रुपये यहाँ से वहां तक जा सकता है, जीबीपी डॉलर यहाँ से वहां जा सकता है एंड सो ऑन। सो इट्स जस्ट ए रिव्यू के 12 पीरियड बोलिंजर बैंड कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, उसके ऊपर कैसे ट्रेड लिया जाता है एंड फॉलो थ्रो कैसे किया जाता है। सो आशा करता हूं कि ये जो प्रेजेंटेशंस है ये आपको अच्छा लगा होगा। और आपको अच्छा लगा है तो इस स्ट्रेटेजी को आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप भी इस टाइप ऑफ सेटअप्स को आइडेंटिफाई कर पाओ। ये सेटअप अगर आपके एक बार कॉन्फिडेंस में आ गया तो आप खुद विदाउट एनीबॉडीज हेल्प, विदाउट एनीबॉडीज असिस्टेंस और रिकमेंडेशन आप एक पर्टिकुलर ट्रेड ले सकते हो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन मेक श्योर टू लाइक शेयर subscribe and comment down below your thoughts of this video, it helps out greatly. Thank you. This is Ashish Borua from Borua's Way signing off.